हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी के बारे में, जिनकी हाल ही में स्कूटर में एक फायर इंसिडेंट देखने को मिला है। वैसे फायर इंसिडेंट हमें बैटरी में देखने को नहीं मिला है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बैटरी में आग लगी है एथर एनर्जी के में, जिससे इसकी रेपुटेशन ख़राब करी जा रही है। आप देख सकते हैं, ये एथर एनर्जी का स्कूटर है जो दिखाया जा रहा है कि इसके फायर इसमें बैटरी में आग लगी। अगर देखा जाए तो उसकी जो बैटरी होती है वो फ्लोर बोर्ड में होती है। तो दोस्तों, लगता तो नहीं है कि इसकी बैटरी में आग लगी है, इसके लिए होता है कि वायरिंग की प्रॉब्लम आई है, देखने के वायरिंग से आग लगी है। तो दोस्तों, कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि हमारे बैटरी में आग लगी है, जिसको देखते हुए कंपनी ने चेकिंग के लिए एकदम सख्त वो दे दिया है निर्देश। और एथर एक काफ़ी इसे कहते हैं रेपुटेड कंपनी है, और इसके ईवी स्कूटर्स काफ़ी अच्छी तरीके से सेल होते हैं, जिसको देखते हुए लोग काफ़ी एथर को ट्रोल कर रहे हैं कि इतनी महंगी स्कूटर होने के बाद भी एथर में ऐसे आग लग जाना एक शर्मनाक बात है। पर मैं यही कहूँगा कि एक जब कोई कंपनी आती है शुरू शुरू में, तो थोड़े बहुत उसमें दिक्कत देखने को मिलती है, पर कंपनी उस पर काम भी करती है और उसको ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। पर कंपनी ने कहा है कि इसको लेके कि बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आई है, वायरिंग में ही इसे कहते हैं हो जाता है कभी कभी कि वायरिंग के भी गर्म हो जाने से कि फायर हो सकता है। तो उसको देखते हुए कंपनी ने अब अपने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। और बात रही एथर की, तो एथर में काफ़ी से कहते हैं स्टैक का अपडेट आया है, तो इसको देख के इसकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है और इसमें हिल होल्ड जैसे फीचर आए हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट एथर के बारे में कि इसके नो फायर इंसिडेंट हुआ है। इसको देखते हुए कंपनी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आप बैटरी का इशू बता रहे हैं, इसमें बैटरी का इशू नहीं है। और दोस्तों, ये फर्स्ट पिक है जब एवर फर्स्ट टाइम एथर के स्कूटर में आग लगी थी, जिसको में कंपनी ने कहा था कि इसमें कस्टमर की गलती निकाली गई थी, जिसको देखते हुए कंपनी ने कहा था कि छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, कंपनी काफ़ी ट्रोल की जा रही है, और आप देख सकते हैं ये एक इतना सेलिंग स्कूटर है जो थर्ड पोजीशन में हमेशा रहता है, और उसकी सेल्स काफ़ी हाई जाती है। और आप ट्रोल्स देख सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूटर बेकार है, इतना बेकार स्कूटर नहीं देगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि एथर ने अपनी गलती स्वीकार करी है और उस पर वो काम भी कर रही है। दोस्तों, एथर ने हाल ही में अपने 1,00,000 स्कूटर बेच दिए हैं, जो काफ़ी एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।